नमस्कार, ज्वार झारखंड में आपका स्वागत, में राहुल ओझा आपके साथ। खूंटी से कांग्रेस उम्मीदवार कालेचरण मुंडा के खिलाफ बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची और केस दर्ज करने की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि खूंटी लोकसभा सीट पर कांग्रेस भ्रामक प्रचार कर रही है। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल के मुताबिक खूंटी में कांग्रेस से कहकर प्रचार कर रही है कि अर्जुन मुंडा को जिताने के लिए हाथ छाप पर बटन दबाए। बीजेपी का कहना है कि इस भ्रामक प्रचार से ग्रामीण मतदाता भ्रम में है। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अब की बार 400 पार का आंकड़ा पूरा होने का दावा किया है। चतरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी भ्रष्टाचार पर वार करती है तो जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं को दर्द होता है। मैं कहता हूं कि ये लोग जो सरकार बनाते विकास के काम तो नहीं करते, बल्कि ये लोग कमाने में लगे हुए, और कमाया इतना आप आए दिन देख रहे होंगे। सरकार में बैठे हुए भ्रष्ट अफसरों के घरों से पैसे नोट की गड्डी निकलते हैं, कांग्रेस पार्टी के एमपी के घरों से नोट निकलते हैं, यहां तक कि अभी तो दिन पहले यहां के मंत्री के पीए के नौकर के घर से भी पैसा निकलता है। यानी ये पैसा बालू के लूट का है, कोयला के लूट का है, जमीन के फर्जीवाड़ा का है, पत्थर की लूट का ये सारे पैसा है। और आज उस सारे पैसे को भारत सरकार की जांच एजेंसी खोज खोज करके निकाल रही है, तो ये सारे लोग आज परेशान है। और फिर झारखंड के दौरे पर अमित शाह पहुंचेंगे। बोकारो में केंद्रीय गृह मंत्री चुनावी सभा करेंगे। सेक्टर 5 पुस्तकालय मैदान में ये सभा होगी। 18 मई को बोकारो अमित शाह पहुंचेंगे, तो सेक्टर 5 पुस्तकालय मैदान में अमित शाह की सभा। दौरे को लेकर के पार्टी ने तैयारी पूरी कर रखी है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने अमित शाह के दौरे को लेकर भी बीजेपी को आड़े हाथ लिया और झारखंड की सभी 14 सीट पर इंडिया अलायंस की जीत का दावा भी किया। जवाब तो जनता देगी 13 तारीख को कि भाजपा को उल्टा कर सीधा कर दिया जाएगा यहां पर। ये कोई भाषा है? दावागिरी करने आए हैं? झारखंड के वोटर्स को अब वोटिंग से जुड़ी तमाम जानकारियां वोटर टर्नआउट ऐप के जरिए मिल जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऐप पर हर 2 घंटे में अपडेट भी होता रहेगा। वोटिंग वाले दिन ऐप के जरिए ये भी पता लगा सकेंगे कि कितना मतदान हो चुका है। ऐप में रात 12 बजे क्लोजअप पोल डेटा दिखने लगेगा और अगले दिन स्क्रूटनी के बाद फाइनल डेटा ऐप पर दिखाई देगा। वो डेटा कब तक अवेलेबल होगी वो बता दिया, ऐसे ट्रेंड आपका क्या प्रोग्रेस हो रही है? 9:30 बजे से शुरू करके 5:30 बजे तक मिल जाती है। 7 बजे एक टेंडेटिव फिगर मिल जाती है। मिडनाइट में आपका क्लोज ऑफ पोल उसका पहले भी मिल जाता है, मतलब कट ऑफ टाइम में 12 बजे उसका पहले भी क्लोज मिल जाती है। मतलब आपका जाएंगे मतलब उसी के एक बार टेंडेटिव मिल जाती है। फिर उसके बाद एंड ऑफ पोल डेटा है, उसके बाद डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी ये सब कुछ हो गया, उसके बाद एंट्री करके एंड। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से पोलिंग पार्टियों के ईवीएम मशीन और गाड़ियों की निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम से जीपीएस सिस्टम के जरिए मशीनों और गाड़ियों पर निगरानी हो रही है। जीपीएस की मदद से आसानी से पता लगाया जा रहा है कि पोलिंग पार्टियां बूथ पर पहुंची या नहीं। रांची में धुरवा डैम के पानी में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। ये दोनों बच्चे प्रभात तारा स्कूल के छात्र थे। इसी बीच नहाने के लिए दोनों बच्चे धुरवा डैम पहुंच गए। इसी दौरान आरएस शर्मा नामक बच्चा डूबने लगा। उससे बचाने के लिए उसका चचेरा भाई आलोक शर्मा भी धुरवा डैम में कूद पड़ा और दोनों की मौत हो गई। एनडीआरएफ की टीम डेड बॉडी को ढूंढने का प्रयास कर रही है। बच्चा लोग 5 को यहाँ पे आया था स्कूल से नहाने के लिए, तो उसी के दौरान एक डूबा, तो वही बचाने के क्रम में दूसरा बच्चा भी डूब गया। वही तीनों बच्चा आके सुना दिया कि डैम में डूब गए हैं, तो वही हम आके वही पता चला कि कोना सेकेंड टीला के थर्ड टीला के बीच में डूब गया है बच्चा लोग।
गुड्डा पुलिस ने 3 थाना क्षेत्र से छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान 24,90,000 कैश, 11 किलो गांजा और 481 बोतल शराब बरामद की गई है। महगामा, मेहरामा, सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस को यह सफलता मिली है। मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने कहा कि किसी भी कीमत पर चुनाव प्रभावित नहीं होने देंगे। इस प्रकार लोकसभा टोटल 5 गिरफ्तारियां हुई है और 24,90,000 रुपए की नकदी बरामदगी हुई है। 11 किलो 360 ग्राम गांजा की बरामदगी हुई है। ये कल की बरामदगी है। देवघर के मालूडी गांव में महिला से दुष्कर्म और हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर आरोपी उमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। देवघर एसडीपीओ ऋतिक श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिला और आरोपी के बीच अवैध संबंध था। दोनों के बीच मोबाइल और पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। मालोडी की बिलोदी की नामक महिला थी, जिनका पूर्व के कुछ समय से उमेश यादव नाम के मतलब आदमी के साथ अवैध संबंध में थे। उसी दौरान ये बात प्रकाश में आई कि दोनों के बीच में लेन देन को लेकर, मोबाइल फ़ोन वगैरह को लेकर और कुछ और भी आपस में असहमति थी, जिसके कारण उनके बीच में खटास आने लगी थी। 7:05 को ही इन्होंने अपना पूरा का पूरा एक प्लान बनाया, जिसके तहत उमेश ने उनको महिला का बेरहमी से हत्या कर दिया। जमशेदपुर में अचानक मौसम ने करवट ली है। दिन में ही अंधेरा छा गया, तेज हवा के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। इससे जमशेदपुर वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकी। 14 मई तक लौह नगरी में इसी तरह से सुहाना मौसम बना रहेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी। कुछ दिनों से जमशेदपुर शहर का वेदर जो है वो आप देख सकते हैं कि काफी खूबसूरत हो चुका है। दिन में ही अंधेरा छा जा रहा है और तेज ठंड हवाओं के साथ साथ बारिश जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत दिला रही है। हालांकि इसी तरह 2-3 दिनों से लगातार जमशेदपुर शहर में दिन में ही पूरी तरह से अंधेरा छा जा रहा है और अभी मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर के जुबली पार्क में, जहां आप देख सकते हैं कि मौसम जमशेदपुर शहर जो लग रहा है वो कश्मीर की तरह। वेदर तो दोपहर तक तो काफी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन जब अभी मौसम देख रहा हो इस तरह से लग रहा है कि काफी ठंडा पड़ रहा है यहाँ पे और मौसम में काफी मजा भी आ रहा है घूमने में। ये बारिश तो बिल्कुल बिल्कुल वेलकम रिलीफ है। जो गर्मी पड़ी है इस साल पूरे भारतवर्ष में, तो उससे ये मौसम जो है शायद से बहुत ही रोमांटिक मौसम हो गया हमारे लिए भी यहाँ जुबली पार्क में घूमने के लिए। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि अब मई 14 तारीख तक इसी तरह मौसम रहेगा, तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जमशेदपुर शहर के लोगों को अब गर्मी से राहत 14 मई तक रहेगी। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। कोडरमा जिले के झरकी, बिशनपुर और सपहा गांव विकास से कोसों दूर है। आज तक इन तीनों गांव में आने जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बन पाया। इन तीनों गांव में तकरीबन 1500 की आबादी रहती है और 650 से ज्यादा मतदाता भी हैं। बुनियादी सुविधा के अभाव में लोग परेशान हैं। यहाँ सबसे बड़ा समस्या हम लोग का यही है, इस गाँव का, 3 गाँव का नेचर है कि इसमें सबसे पहले कि कुछ तो रोड कुछ दूर बना है और रह गया है बीच में जो है कि पुल नहीं रहने के, नदी में पुल नहीं रहने के कारण जो है कि यहाँ सबसे ज्यादा गंभीर समस्या होता है। जो महिला लोग की गर्भवती महिला रहती है तो उन लोग को हम लोग ले जाने में बहुत काफी समस्या हो जाता है। करीब मतलब 3 महीना के लगभग मतलब 4 महीना तक बरसात में बहुत काफी समस्या रहता है। यहाँ कोई तरह का सुविधा नहीं है और पुल का कारण जो है सो हम लोग को भारी समस्या है। पुल ना रहने के कारण जैसे हम लोग बाल बच्चा को आगे पढ़ाने लिखाने के लिए भेज भी नहीं पाते हैं और बरसात के टाइम में तो और भारी कठिनाई होता है। चुनाव का समय जब आता है तो एक एक प्रतिनिधि लोग आते हैं और वोट मांगते हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये बना देंगे, हम ये बना देंगे, और वोट ले जाने के बाद फिर यहाँ कोई दिखाई नहीं पाते। लेने के वोट मांगने के लिए आते हैं लोग और वादा भी करते हैं कि हम लोग समस्या का हल करेंगे, इस बार जीतेंगे तो हम एक काम कर दे, पुल बना देंगे, पुलिया बना देंगे, लेकिन ये सब समस्या फिर आते हैं, फिर नहीं, फिर चले जाते। झारखंड के चतरा में पीएम मोदी की रैली हुई। चतरा के सिमरिया से पीएम मोदी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद सहित इंडिया अलायंस के नेताओं पर जमकर वार किया। पीएम मोदी ने लालू प्रसाद का बिना नाम लिए कहा कि चारा घोटाला वाले सरकार में आए तो एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण छिन जाएगा। पीएम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का भी जिक्र किया। उस इंडिया अलायंस के एक बहुत बड़े नेता ने, उन्होंने कहा है
कि चुनाव के बाद जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं उन सब ने कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन झारखंड के चतरा में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली हुई। चतरा के मंच से पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस पर चुन चुन कर हमले किए। कांग्रेस ने घुसपैठियों को समर्थन दिया, नतीजा ये कि दलित तो आदिवासियों की जमीन पर घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया। अब वही आग ये लोग झारखंड में लगाना चाहते हैं। जेएमएम सरकार में यहां घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमारे आदिवासी समाज की बच्चियां घुसपैठियों का शिकार हो रही है। बच्चियों को जिंदा जलाने की घटिया सामने आ रही है। ये जो घुसपैठियां आए हैं ये क्या वहां से अपनी जमीन लेकर आए हैं क्या? जेएमएम कांग्रेस ने चतरा की रैली में पीएम मोदी ने एक बार फिर 400 पार का नारा दोहराते हुए कांग्रेस और जेएमएम पर भ्रष्टाचार, आरक्षण छीनने की कोशिश और राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने लालू प्रसाद का बिना नाम लिए कहा कि चारा घोटाला वाले सरकार में आए तो एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीन जाएगा। आदिवासियों के बीच में रहे थे जेएमएम और कांग्रेस के ठिकानों से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, नोटों के पहाड़। अभी हमारी राष्ट्रपति जी अयोध्या प्रभु राम लला के दर्शन करने वहां पूजा अर्चन करने गई थी। घोषणा की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंबई में, ये कहा कि ये राम मंदिर का अब हम शुद्धिकरण करेंगे। जेएमएम सरकार में यहां घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमारे आदिवासी समाज की बच्चियां घुसपैठियों का शिकार हो रही है। बच्चियों को जिंदा जलाने की घटिया सामने आ रही है। ये जो घुसपैठियां आए हैं ये क्या वहां से अपनी जमीन लेकर आए हैं क्या? जेजेएम कांग्रेस और आरजेडी की चली तो एससी एसटी ओबीसी के पास कहीं कोई आरक्षण नहीं रह जाएगा। कमल के निशान पर बटन दबा करके झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और इस बार बीजेपी की नजर सभी 14 सीटों पर है। यही वजह है कि रांची में रोड शो के कुछ ही दिनों बाद चतरा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई और प्रधानमंत्री विपक्ष पर जमकर बरसे। न्यूज 18 के लिए चतरा से निरंजन और सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रांची में ईडी की कार्रवाई के बाद से हड़कंप मच गया है। ग्रामीण विकास विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। ईडी लगातार ओएसडी संजीव लाल और जहांगीर आलम से पूछताछ कर रही है। ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी ने चंपाई सरकार को घेरा है और मंत्री आलमगीर आलम पर भी सवाल उठाए हैं। मीडिया में खबरें आई ये सिर्फ 3 महीने का कमीशन का कलेक्शन था, तो आप सोच सकते हैं कि 4.5 वर्षों में ग्रामीण विकास विभाग की कमाई कितनी अरब रुपए रही होगी। और ऐसा है ना कि कहते हैं कि बिना ऊपर के पूरे संरक्षण के ये नेटवर्क चल नहीं सकता। अब मंत्री जी के पीएस के नौकर के यहाँ पैसा पड़ा है तो छींटे तो मंत्री जी पे भी पड़ेंगे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी बनती है। रांची से बड़ी खबर है जहां कार से 3 लाख कैश बरामद हुआ है। विधानसभा थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई हुई है। गाड़ी चेकिंग के दौरान कैश जब्त किया गया है। कार में 3 युवक सवार थे और इस कार से 3 लाख कैश बरामद हुआ है। गाड़ी चेकिंग के दौरान एक कैश जब्ती की गई है। और चलिए ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं।